ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਇਹ ਠੀਕ 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 ਹੈ ਜੀ सो वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड्स ऑफ आवर YouTube चैनल द सेफ एंड गोफिक। आज के व्लॉग में ना मैं आपको दिखाने वाला हूँ स्कॉर्पियो एन। तरुण भैया कैसे हो? पहले तो बढ़िया। तरुण भैया स्कॉर्पियो एन आपने यहाँ पे पूरी PPF कर दी है। मैंने बोला तो रुक जाओ पर भैया जल्दी मैं निपटा दी। चलो कोई निपटा नहीं थी, फिर मैंने कहा कर देता हूँ आपको आके दिखा देंगे। चलो हाँ। तो आज आप लोगों को मतलब करते हुए नहीं दिखाएंगे बट ये गाड़ी पूरी PPF हो चुकी है। अच्छा वैसे तो मुझे देख के पता नहीं चल रहा कि PPF हो चुकी है, तो इनको कैसे बताओगे कि PPF हो गई है? ये टक इन टू पिन हुई है, साइड से हल्का सा मॉइस्चर है, निकल जाएगा सुबह, ये देख रहे हैं ना, देख रहे हो मॉइस्चर है भैया, मॉइस्चर दिखा रहे हैं लोग, मॉइस्चर ऐसे दिखाते हैं, अरे कहीं मॉइस्चर नहीं है, हल्का हल्का होता है, उसको हील करने में टाइम लगता है, निकल जाता है 2 से 3 दिन में निकल जाता है। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ तरुण भैया, जैसे गाड़ी पूरी PPF है हमको तो पता है, लेकिन इन लोगों को अगर हमको दिखाना हो तुम कौन सा पार्ट दिखा के यकीन दिला सकते हैं कि PPF हुई? तो भाई वीडियो स्टार्ट करते हैं, आपको बताना चाहूंगा, आप लोग कई बार परेशान होते होंगे अपनी गाड़ी की हेडलाइट के लिए कि हम क्या डालें जिससे हमें अच्छी पावर मिले। तो ये हमारी ऑटोमैक्स की प्लेटिनम सीरीज की 165 वाट भाई, 165 वाट 6000 केल्विन, मेड इन इंडिया, ट्रस्टवर्दी ब्रांड है। मैं अपनी गाड़ी भी यूज कर रहा हूँ, आपको दिखाता हूँ इसके अंदर आपको मिलता क्या क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर आप लोगों को मिल जाता है इसका वारंटी कार्ड, जिसमें कि आपको 2 साल की इसकी वारंटी मिल जाती है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको चेकआउट करवाया था इसके अंदर LED किस तरीके की जो आपको अवेलेबल है, ये देख लो LED का कुछ ऐसे नज़र आती है। ठीक है, इसके अंदर आपको मैन्युफैक्चरिंग डेट भी यहाँ पे आपको मिल जाती है, और एज वेल एज ये पूरा प्रॉपर जैक टू जैक जाता है, और इसके पीछे एक फ़ैन होता है जो कि आपकी LED को ठंडा रखने में जो है हेल्प करती है। इसका थ्रो भी मैं आपको आगे दिखाया। तो भाई यहाँ पे आप लोगों को थार के अंदर हमने जो है फॉग लैंप्स के अंदर हमने सिंपल LED यहाँ पे इंस्टॉल कर दिए 165 वाट की, और उसका थ्रो आपके सामने है कितनी ज़्यादा ब्राइट है। यहाँ पे सामने भी देखेंगे तो अच्छा खासा थ्रो इसका नज़र आ रहा है। मैं आगे आपको एक इमेज भी दे देता हूँ जो कि हमने अंधेरे में क्लिक करी है, ये देखिए इतनी सफिशियंट लाइट इससे। यहाँ आप लोगों ने अपनी LED का थ्रो भी देख लिया, मैंने एक फोटो भी डाल दी थी। अगर आप चाहते हो कि आपकी गाड़ी में ऑटोमैक्स की LED जो है इंस्टॉल हो जाए, सिंपल अपने नियरेस्ट कार एक्सेसरी शॉप में जाके इसकी डिमांड करनी, और अगर आसपास में कोई दुकान नहीं है तो अमेजोन फ्लिपकार्ट पे अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। ये देखो ये यहाँ से हमने टक इन करी है, ये देख रहे हैं ये कट आया हुआ है, ये PPF हुई है, दिख रहा है ये वाला कट, हाँ हाँ दिख रहा है ना ये कट, ये चीज दोनों के टैटू नजर आ रहे हैं। तो ये वाला कट है जो PPF का पता चल रहा है, और एक अच्छी PPF करना और उसकी क्वालिटी की यही निशानी होती है कि PPF का पता ही नहीं चलेगा कि PPF हुई है गाड़ी में, पूरे OEM खुल के टकिन हुई है, ये सब हैंडल बीडिंग सब खुल के टकिन हुई। अच्छा सारा कुछ आपने मतलब डिसमेंटल किया उसके बाद आपने फिर 7 साल की वारंटी है। अच्छा एक चीज और, जैसे मान लो कि आपने कर डिसमेंटल किया तो ये हैंडल निकले होंगे, ये बीडिंग निकाल दी होगी, अगर कोई चाहता है कि इसको बिना निकाले करना है नहीं निकाले करेंगे, मतलब डिपेंड अप टू कस्टमर जैसा चाहिए। ठीक है, तो इसमें कितना टाइम लग गया आपको भैया करने में? सर 2 दिन चाहिए होते हैं, अगर देखो अर्जेंट चाहिए आपको सुबह आप कॉल करेंगे, मतलब एक दिन पहले कॉल करेंगे, सुबह गाड़ी दें रात को डिलीवरी दे देंगे। ठीक है, मतलब एक दिन में हो जाता है। अपने पास 20 लड़कों की टीम है PPF की। ठीक है, 20 लड़कों की, 20 लड़कों की टीम है अपने पास सिर्फ PPF की, प्रोफेशनल सारे प्रोफेशनल, 7-7, 8-8 साल हो गए जिनको करते हुए। हाँ जी ठीक है। तो तरुण भैया इसमें से PPF आपने करी सिर्फ करी कौन सी, हमसे ये तो बताओ। इसमें टिंट एंड ऑरेंज, जो हमने हमारी गाड़ी के आगे फ्रंट पे की हुई है। अच्छा इसमें ये वही वाला जिसमें की मतलब सेल्फ फीलिंग होती है? सेल्फ फीलिंग का मतलब क्या होता है वैसे? सेल्फ फीलिंग सर स्क्रैच मारेंगे, ठीक, गर्म पानी डालेंगे, स्क्रैच आउट, मतलब गर्म पानी सर्दियों के लिए, गर्मियों के लिए धूप में गाड़ी कर रहा है। आपको सेल्फ फीलिंग दिखाता हूँ, सेल्फ फीलिंग दिखाओ। तो यहाँ पे अब भैया क्या लेकर आए, पहले ये दिखा दो, चेक करो ब्रश है, दिखा रहा है मेटल ब्रश है, ये मेटल का ब्रश है, ये मेटल का ब्रश है, मतलब ये कांटे एक तरह से कह सकते हो, लोहे के हैं भैया, चेक करो लोहे के हैं ये। ठीक है जी, इस पे हम स्क्रैच मारेंगे, ठीक, स्क्रैच मारने के बाद आपको दिखेंगे स्क्रैच नजर आएंगे, ठीक, या गर्म पानी उबला हुआ पानी डाल दो। ठीक चलो, ठीक है जी, ये चेक करो, अरे भाई बहुत ही बेहतरीन, ठीक बढ़िया स्क्रैच मार के दिखाएंगे आपको, जो पता लगे कस्टमर्स को कि हाँ भाई स्क्रैच लगा है, ये स्क्रैच मार दिए, स्क्रैच नजर आ रहे हैं पूरे, हाँ स्क्रैच पूरे नजर आ रहे हैं। ठीक तो यहाँ आ गया गर्म पानी, उबला हुआ पानी है, चेक करो, ये डल गया उबला हुआ पानी, ओ भाई गायब, देख रहे हो, और पानी भी बहुत आराम से उतर रहा है, इससे स्लिप हो गया, हाइड्रोफोबिक है, अच्छा हाइड्रोफोबिक भी रहेगा इसमें, तो ये गए निशान गाड़ी से।
चेक करो जी, कोई निशान नहीं है गाड़ी पे। ये हमारे विंटर्स के लिए है कि मतलब गर्म सर्दियां हैं तो गर्म पानी डाल लो, है ना। हाँ, सर्दियां तो गर्म पानी डाल लो, अदरवाइज धूप में गाड़ी खड़ी कर दो, 1-2% जो रह गए हैं वो भी आउट हो जाएंगे। ठीक ठीक। और जैसे अभी आपने पानी डाला है गर्म, तो वो भी मतलब आप कह रहे हो धूप में खड़ी करके वो भी आउट, सब आउट है, मतलब कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और ये जैसी गाड़ी है वो परेशान, तो ऐसा कोई चीज नहीं है कि आपने किसी गाड़ी में ऐसा करा तो उसको दिक्कत होगी बाद में? नहीं नहीं, क्या प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं। चलो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, गर्म पानी डाल रहे हैं नॉर्मल, इतनी धूप में गाड़ी खड़ी होती है। नहीं ये भी ठीक है। हाँ, तो साइड तो भाई यहाँ पे आपने बोनट तो आप लोगों ने देख लिया, इसके साइड मिरर भी हुए हैं, सब सब A to Z बम्पर होगी पूरी। अच्छा तरुण भाई एक बात बताओ, जैसे मैं देख पा रहा हूँ इस गाड़ी में, अब मैं देखो भैया अपनी क्लियरिटी है कि हम लोग वीडियो बनाते हैं तो जो बंदा देख रहा है उसको फायदा हो, जहाँ जहाँ पे हमको थोड़े थोड़े बबल्स नजर आ रहे हैं सब आउट हो जाएंगे। देखो अभी गाड़ी आधे घंटे पहले गाड़ी फाइनल हुई। हाँ ये तो हमारे सामने हुई है, आधे घंटे पहले गाड़ी फाइनल हुई है, हल्का सा मॉइस्चर रह जाता है। ठीक है, रहेगा थोड़ा मॉइस्चर, हट जाएगा, लेकिन 4 दिन में सब आउट, 3-4 दिन में सब आउट हो जाता है। हाँ जी, मतलब ये नहीं है कि हम दिखा रहे हैं कि भाई देखो बहुत अच्छी होगी दूर दूर से, कि मतलब ऐसा नहीं है, मतलब दिखाएंगे पूरा जेन्युइन तरीका। 4 दिन में सब आउट हो जाएगा, ये आप बिल्कुल देख रहे हैं, सब टकिन है अंदर, सब अंदर है टकिन है, सब हैंडल खोल के। अच्छा तरुण एक बात बताओ, जैसे आपने PPF कर दिया तो ये PPF निकलती तो नहीं है? नहीं नहीं, कुछ नहीं निकलेगा। मेन खेल किसका, टकिन का? टकिन, अगर टकिन छूटने लगी तो दिक्कत है, क्योंकि मैंने कई गाड़ियों में देखी हुई है लोगों की। सर ये सब लाइटें उतार के, लाइट्स उतार के सब प्रॉपर तरीके से अंदर, इसको आप देखेंगे ये प्रॉपर अंदर है टक हुआ है, ये देखो भाई। ठीक ठीक ठीक, ये अंदर है टक हुआ है। ठीक, ये देखेंगे बाहर, इसमें नॉर्मल में एक वैसे काट देते हैं ऊपर से ना, कटिंग होती है। हाँ, इसमें हमने ऊपर से नहीं काटा। ठीक, अब कटिंग में मेरे ख्याल से इसमें फिर यहाँ मिट्टी भी घुसती ना टाइम के साथ, फिर निकलना है ऑटोमेटिक निकलता ही है। ठीक है, मतलब आप क्या बोलते हो, डिसमेंटल करके करना ज्यादा बेटर है कि ऊपर से करना? ज्यादा बेटर वही है। अच्छा 7 साल की आप इसकी दे रहे हो? 7 इयर्स की विद वारंटी का, विद वारंटी वारंटी कार्ड के साथ। अच्छा एक चीज और, जैसे मार्केट में लोग बोलते हैं कि एक पीस का कुछ सीन होता है, मैं आपसे क्लियर पूछता हूँ, तो सुपर देख के आएंगे एक पीस फ्री। चलो ठीक है, जो वीडियो देख कर आएगा उस बंदे के लिए एक पीस फ्री, अदरवाइज कॉस्टिंग कितनी पड़ जाती है? 10,000 कॉस्टिंग पड़ जाती है ऑलमोस्ट। 10,000 क्यों आ जाती है? अब कस्टमर का ये पॉइंट आएगा कि भैया पूरी गाड़ी आप 55-60 हज़ार रुपए में कर रहे हो, एक पीस के आप 10,000 रुपए ले रहे हो, 13 पीस होते हैं गाड़ी में। ठीक, आपके लिए हम नया रोल खोलेंगे, फिर रोल को हम एज इट इज रखेंगे, नया रोल खोल के हम नहीं रख सकते। ठीक ठीक, उसके बाद हमें गाड़ी करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी। हाँ जी, चलो तो कितनी गाड़ी कर दी भैया अभी आपने? 40 गाड़ी तो ये स्कॉर्पियो ऑन कर दी, 39th कार है, 39th है। हाँ, 39th स्कॉर्पियो ऑन है। चलो 39th है। एक बताओ रेट वेट का क्या क्या सीन रहता है इसका? 45,000 से स्टार्ट है, 45,000 से स्टार्ट है, सेरामिक वाले रेट में दे देंगे, ऐसा खेल लेंगे मजा आ जाएगा। 45,000 में पूरी गाड़ी? पूरी गाड़ी। अच्छा एक बात बताओ, 45,000 में करके दे रहे हो, उसका मतलब ये तो नहीं है कुछ बेकार चीज लगा के दोगे? नहीं, TPS करेंगे, 45,000 में सेल्फ हीलिंग नहीं होगा, 55,000 में सेल्फ हीलिंग होगा, सेल्फ हीलिंग देंगे। ठीक है, TPU। अच्छा उसमें प्रॉपर वारंटी कार्ड वगैरह, हर एक चीज, वारंटी कार्ड सब सब, TPH में भी वारंटी कार्ड देंगे आपको। अच्छा उसमें भी वारंटी कार्ड देंगे? TPH में भी वारंटी कार्ड देंगे। चलो अच्छा तो उनमें अपनी लोकेशन बताओ हमें एक बार। MES मॉल गुड़गांव, बेसमेंट 2, 2 नंबर गेट से आप एंटर होंगे, सामने वैक्स कार के। ठीक, एक बार कांटेक्ट नंबर अपना? 7838988022। आप अपना मायापुरी भी आ सकते हो, दिल्ली में मायापुरी B67। ठीक ठीक ठीक, मायापुरी इंडस्ट्रियल एरिया। ठीक है, मतलब दोनों जगह है अपना। हाँ, जिन गुड़गांव वाले भाइयों को MES मॉल पास पड़ेगा उनके लिए यहाँ पे, दिल्ली वालों के लिए मायापुरी पास में। अच्छा अच्छा तरुण भाई, ये तो हमारी दो चीजें हो गई। ठीक है, अगर अगर कोई ऐसा है कि मतलब जैसे हम लोग तो यंग है, हम आ जाते हैं, लेकिन कई लोग ओल्ड एज भी हैं जो नहीं आ पाते, लेकिन शौक पूरा है, तो उन लोगों के लिए भी कुछ है क्या? अरे घर पे करवा देंगे, डिटेलिंग ऑन ड्राइव भी तो चल रहा है हमारा। ठीक है, डिटेलिंग ऑन ड्राइव भी है, तो सेम नंबर अपना? सेम। ठीक है, मतलब घर पे भी हो जाता है। अच्छा घर पे क्या है काम करवा सकते हैं? अपना सेरामिक तक करवा सकते हैं, PPF यही होगी, PPF यही होगी। गाड़ी पिक कर लोगे? मतलब गाड़ी पिक एंड ड्रॉप करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। पिक एंड ड्रॉप दिल्ली NCR में कहीं पे भी करवानी है, पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी अवेलेबल। ठीक, अच्छा एक जो चीज और बताई दो, इतना हो गया। PPF करवाना ज्यादा बेटर है या इसमें सेरामिक वगैरह ज्यादा करना बेटर? रफ एंड टफ चल रही है तो PPF इज बेटर, और डार्क कलर पे PPF मैंडेटरी। हां, PPF मैंडेटरी है, क्योंकि इसमें सोल मार्क्स और स्क्रैचेस बहुत नजर आते हैं। ये हमारा पेज है, ये फॉलो कर सकते हैं आप, डिटेलिंग ऑन ड्राइव, ये देख लो भैया। ठीक ठीक, इसमें सारी गाड़ियां आपने डाली हुई है। ठीक, मतलब जितनी भी हो रखी है और जितनी भी अपडेट्स होती है सारी उसके अंदर मिलती रहती है। अच्छा तरुण भैया, इतनी बातें हो गई है, PPF के रेट आपने बता दिए, एक बार सिरेमिक ग्राफीन वगैरह के भी रेट आप बता दो। 15,000 रुपए स्टार्ट है, 15,000 रुपए सिरेमिक स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक, 15,000 में सिरेमिक, 18,000 रुपए में ग्राफीन। ग्राफीन ठीक है, 40,000 रुपए स्टार्ट है आपका PPF, PPF TPH ऑन हैचबैक, 45,000 रुपए सेडान। ठीक, एंड SUV। मतलब ये है कि सारे रेट खोल दिया आपने,
पूरी मार्केट में खेलना है, कम मार्जिन पे कस्टमर को फायदा मिलना चाहिए। चलो ये भी सही है, मतलब ये चीज ही होनी चाहिए कि ऐसा तो नहीं है ना कम मार्जिन है तो मतलब चीज अच्छी नहीं। वारंटी कार्ड दूंगा सर, आफ्टर सेल सर्विस पूरी मिलेगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बाद में कस्टमर आया मुंह बना के यहाँ पे बैठ रहे हैं वहाँ बैठ रहे हैं, वो सीन नहीं है। हाँ ये चीज मुझे सबसे पहले पूछनी थी आपसे। अच्छा एक पीस का क्या होता है, जैसे मान लो कि गाड़ी कल को गेट वेट लग जाता है इसका, एक पीस तो आपको फ्री दे देंगे आपके कस्टमर्स को, हमारे कस्टमर्स को। तो भाई वीडियो करना, वीडियो का ये वाला पार्ट करना, काट लेना, रख लेना इनके पास आने से पहले, ठीक है। अच्छा तरुण भैया और क्या है काम हम लोग करते हैं यहाँ पे? और अपना वॉशिंग मशीन स्टार्ट है 500 से, अपनी सर्विस स्टार्ट है 500 रुपए से, अपनी स्टार्ट 500 रुपए से 3 लाख रुपए तक जाती है, 500 से 3 लाख। ये सही है, मतलब एक बेसिक से लेके हाई एंड तक सारा काम ए टू जेड, सेम ट्रीटमेंट। चलो अच्छा तरुण भैया आपने बोला एक दिन, एक से डेढ़ दिन में आप गाड़ी पूरी कम्प्लीट कर देते हो, चलो ठीक है। चलो भैया तरुण भैया बाय कर दो इन लोगों को, बाकी बाय मैं कर लूंगा। ओके फॉलो कर देना डिटेलिंग ऑन ड्राइव। चलो भैया ओके, यहाँ आप लोगों ने देख ली अपनी पूरी वीडियो जो हमारी थी स्कॉर्पियो एन के ऊपर, पीपीएफ के ऊपर बेसिकली, क्योंकि पीपीएफ के लिए काफी सारी डिमांड और कंफ्यूजन लोगों को रहती है। अब अगर इस गाड़ी के अंदर पीपीएफ हुई है ना तो आप ये समझ लो कि अब इसके ऊपर ना कैसा भी कपड़ा यूज कर सकते हो, बट मैं रिकमेंड करूंगा कवर क्लोथ आप इसके ऊपर यूज करना, जिससे कि गाड़ी का ग्लॉस मेंटेन रहे और जो हर एक चीज जो है प्रॉपरली काम यहाँ पे करती रहे। क्योंकि क्या होता है, चाहे तो आप अपनी गाड़ी के ऊपर ना कोटिंग करा लो, ठीक है। अब होता क्या है, जो आपकी गाड़ी डेली वॉश होती है ना, वो कपड़ा ना ऐसे ऐसे घुमा घुमा के मारते हैं, उसके बाद क्या होता है, चाहे कोटिंग कोई सी भी करा लो सब निकल जाती है, खराब हो जाती है। इसलिए हमेशा मैं तो ये रिकमेंड करता हूँ कि पीपीएफ करा लो, अगर डार्क कलर की गाड़ी है अगर आप लोगों की, तो पीपीएफ एक नंबर का ऑप्शन है आप लोगों के लिए। अदरवाइज अगर आप सिरेमिक या ग्रेफिन पे जाते हो तो मेक श्योर अपने गाड़ी धोने वाले को कपड़ा समझा दो कि भाई कपड़ा ऐसे मारना है, या तो ऐसे मारना, या तो वर्टिकल मारे या तो हॉरिजॉन्टल मारे, गोल गोल ना मारे, ठीक है। चलो आई होप इतनी वीडियो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगी अभी तक की। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मैं मिलूंगा आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन।